गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 7 इंग्लिश ग्रामर. द नंबर ऑफ द चैप्टर इज 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. यू ऑल नो दैट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. लेट्स नो अबाउट हिम. वंस देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर, हिज नेम वॉज फ्लेमिंग. एक समय की बात है, एक गरीब किसान रहता था, उसका नाम फ्लेमिंग था. ही गॉट ओनली ए स्मॉल प्रोड्यूस फ्रॉम हिज फील्ड. उन्हें अपने खेत से बहुत ही थोड़ा सा अन्न अनाज उत्पादन मिलता था. ही लिव्ड एन ऑनेस्ट लाइफ. वे एक बहुत ही ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहे थे. वन डे वाइल ही वर्किंग इन हिज फील्ड ही हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प. एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहे थे, उस समय उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, एक चीख सुनाई दी कि कोई हेल्प के लिए या मदद के लिए पुकार रहा है. ही रैन टूवर्ड्स द क्राई. वे दौड़ के गए जिस तरफ से मदद की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी. विच वॉज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाई बॉग. जो एक पास ही में, नियर बाई मीन्स पास ही में, एक बॉग था. बॉग मीन्स दलदल. दलदल आप लोग जानते हैं, वैसे नदी का पानी जो है या कहीं तालाब का पानी इकट्ठा हो जाता है और उसमें मिट्टी भर जाती है और पूरा दलदल बन जाता है. वो बहुत ही, मतलब ये नदी के पानी से बहुत ज़्यादा वो डेंजरस होता है, क्योंकि उसमें जब इंसान फंस जाता है तो निकल नहीं पाता. उसी दलदल में से आवाज़ आ रही थी. देयर वही सॉ That terrified boy was in the mire up to his waist. वहाँ उन्होंने देखा, terrified मतलब बहुत डरा हुआ बच्चा, एक लड़का था जो उसी मायर मतलब दलदल, उसी दलदल में फंसा हुआ था. कहाँ तक? अप टू हिज वेस्ट, अपनी कमर तक. वो बच्चा अपनी कमर तक उस दलदल में फंसा हुआ था और साथ में वो बहुत ही डरा हुआ था. He was screaming and struggling. वो बहुत चिल्ला रहा था, चीख रहा था. एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ, और उस दलदल से निकलने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था. स्ट्रगलिंग मीन्स संघर्ष करना. द मोर ही ट्राइड द मोर ही सैंक. जितना वो अपने हाथ पैर मार रहा था, जितनी वो कोशिश कर रहा था, संघर्ष कर रहा था निकलने की, उतनी ही ज़्यादा वो सैंक. सैंक मतलब उसी दलदल में वो डूबता जा रहा था. Fleming risked his life and saved the boy from what could have been a slow and terrifying death. Fleming, जो वहाँ काम कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने risk his life यानी अपनी जान की बाजी लगा दी, अपनी जान दांव पर लगा कर saved the boy, उस बच्चे को बचाया. From what could have been a slow and terrifying death. वो क्या था? एक slow, धीरे धीरे मौत करीब आ रही थी, और terrifying, डरावनी. ये है कि उस दलदल में जो ये बच्चा फंसा हुआ था, वो निकल नहीं पा रहा था, हाथ पैर बहुत मार रहा था, और धीरे धीरे वो उसी में सैंक करता जा रहा था, उसी दलदल में डूबता जा रहा था. तो ये एक बहुत ही भयावह स्थिति थी उस बच्चे के लिए या किसी के लिए भी. तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि हैव बीन स्लो एंड टेरिफाइंग डेथ, धीरे धीरे मौत करीब आ रही थी. ही वॉच द बॉय एंड बेड हिम गुड बाय. उसने उस बच्चे को, फ्लेमिंग ने बच्चे को उसमें से निकाला, उसको पूरा नहलाया धुलाया, साफ किया. एंड बेड हिम गुड बाय, उन्हें गुड बाय कहा, उनको, उस बच्चे को विदा लिया. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, अ फैंसी कैरेज पुल्ड अप बिफोर द फार्मर्स कॉटेज. एक फैंसी मतलब खूबसूरत सी, अच्छी सी दिखने वाली कैरेज बग्घी आई और वह फार्मर यानी किसान के कॉटेज झोपड़ी के पास रुक गई. एज द फार्मर लुक्ड विद द क्यूरियोसिटी इन हिज आईज एंड एलिगेंटली ड्रेस्ड नोबल मैन स्टेप्ड आउट ऑफ द कैरेज. जो गरीब किसान था वो अपनी आंखों में बहुत सारी उत्सुकता लिए उसे देख रहा था, और उसी बग्घी से एक नोबल, एक सामंत जो बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, एलिगेंटली ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छे शानदार कपड़े पहने हुए थे, वो उन्होंने बग्घी से कदम बाहर रखा. ही वॉक टू द फ्लेमिंग. वो फ्लेमिंग के पास तक गए. एंड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपना परिचय दिया. ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल. आर यू द वन हु सेव्ड अ बॉय यस्टरडे. फ्लेमिंग के पास जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया. उन्होंने कहा कि मैं
लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल हूँ, जो उस समय के सामंत थे, बहुत ही बड़े आदमी। आर यू वन, क्या वो आप ही हैं जिन्होंने यस्टरडे बीते हुए कल में एक बच्चे को, एक लड़के को बचाया था? फ्लेमिंग सैल्यूटेड द नोबलमैन एंड नॉडेड हिज हेड जेंटली। फ्लेमिंग ने उन नोबलमैन को सैल्यूट किया, नमस्कार किया, एंड नॉडेड हिज हेड जेंटली, और धीरे से अपना सर हिलाया। द नोबलमैन सेड, नोबलमैन ने कहा, वेल आई एम द फादर ऑफ द बॉय हुम यू सेव्ड, मैं उस बच्चे का पिता हूँ जिसे तुमने कल बचाया था। आई वॉन्ट टू रिपे यू बिकॉज यू हैव सेव्ड माई सन्स लाइफ, मैं तुम्हें इसको पैसा देना चाहता हूँ, मैं कुछ अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी बेटे की जान बचाई है, इस वास्ते मैं आपको कुछ पैसे देना चाहता हूँ, रिपे करना चाहता हूँ। नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिवॉर्ड और पेमेंट फॉर वॉट आई डिड, उन्होंने कहा। फार्मर रिप्लाइड जेंटली, किसान ने बहुत ही धीमे से आराम से उत्तर दिया कि नहीं, मैं कोई भी रिवार्ड या कोई भी पैसा या पेमेंट नहीं ले सकता जिसके लिए मैंने कुछ किया है। जो मैंने किया है, उसने एक पुण्य काम किया था, एक अच्छा काम किया था, एक अच्छे उस बच्चे की जान बचाई थी, मौत से उसको निकाला था, उसके लिए वो गरीब किसान कुछ भी पैसे नहीं लेना चाहते थे। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू सेड द नोबलमैन, तो सामंत ने कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर सेड फ्लेमिंग, फ्लेमिंग ने कहा, आपकी इस मदद का, आपकी इस चिंता जो कर रहे हैं हमारे लिए, जो आपने सोचा है, उसका बहुत ही मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। जस्ट एट दैट मोमेंट द फार्मर सन कम टू द डोर, जब ये वह लोग आपस में बातें कर रहे थे, उसी क्षण फार्मर किसान का बेटा दरवाजे पर आ गया। इज दैट योर सन द नोबलमैन आस्क्ड, सामंत ने पूछा, क्या ये आपका बेटा है? यस द फार्मर रिप्लाइड प्राउडली, किसान ने बड़े गर्व से कहा, जी हाँ ये मेरा बेटा है। आई विल मेक अ डील विथ यू, मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ। लेट मी टेक हिम एंड गिव हिम अ गुड एजुकेशन, आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये परमिशन दीजिए, मैं इसे अपने साथ ले जाऊँ और उसे एक अच्छी शिक्षा दूँ, एक अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ। If he is anything like his father, he will grow into a man you can be proud of. अगर इस बच्चे में अपने पिता के कुछ भी गुण होंगे, अपने पिता की तरह ये कुछ भी अगर होगा, तो वो एक दिन बड़ा होकर ऐसे व्यक्ति बनेगा जिस पर आप गर्व कर सकें। पढ़ लिख कर उसके पास, वो पढ़ लिख कर एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा, स्कॉलर बन जाएगा, एजुकेटेड बन जाएगा, जिसके ऊपर आप गर्व कर सकते हैं। Fleming agreed to this because he knew that he would not be able to give a good education to his son. Fleming इस बात पर राजी हो गए, तैयार हो गए, और उन्होंने, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा दे सकें। With time, Fleming's son graduated from St. Mary Hospital Medical School in London. समय बीतता गया, समय के साथ फ्लेमिंग का पुत्र ग्रेजुएट हो गया, स्नातक डिग्री प्राप्त कर लिया, कहाँ, किस कॉलेज से? सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन, लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ही वेंट ऑन टू बिकम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द नोटेड सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, और वह धीरे धीरे, जैसे समय बीता, धीरे धीरे वो सारे संसार में प्रसिद्ध हो गए। क्या उनको, देखिए उनको, नोटेड, बहुत ही बड़े सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, लेकिन उन्हें सर की उपाधि मिली थी, और वे कौन थे? डिस्कवरर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के खोजकर्ता, पेनिसिलिन को खोजने वाले। पेनिसिलिन एक दवाई है, एक एंटीबायोटिक है, जो बहुत सी
बीमारियों में काम में आती है, जैसे रेस्पिरेटरी के सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसके लिए पेनिसिलिन दिया जाता है। एक बहुत बड़ा खोज उन्होंने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि एक छोटे से गरीब किसान का बेटा कितनी, जो उनके पिता उसको कोई भी एजुकेशन या शिक्षा नहीं दे सकते थे, चर्चिल अपने साथ ले गए और उन्होंने उस बच्चे को ऐसी शिक्षा दी कि वे एक बहुत नोटेड साइंटिस्ट बन गए। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट ईयर्स आफ्टर वर्ल्ड द नोबल्स मैन सन हैपेंड टू ले डाउन विथ न्यूमोनिया। आप लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सालों बाद नोबल मैन का जो पुत्र था वो एक बार न्यूमोनिया जो सांस की बीमारी थी, फेफड़े की बीमारी होती है, उससे वो ग्रसित हो गया और वो बीमार पड़ गया। डू यू नो व्हाट सेव हिम, क्या आप जानते हैं कि किस चीज़ ने उसको भी बचाया? वेल, इट वॉज पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की ही दवा थी जिससे कि वो नोबल मैन का पुत्र अपने जान बच पाए, उसकी जान बच पाई। लेट अस ऑल्सो टेल यू द नेम ऑफ द नोबल मैन सन, आपको बताते हैं कि उस नोबल मैन के पुत्र का क्या नाम था। ही वॉज नन अदर देन सर विंस्टन चर्चिल, वो और कोई नहीं बल्कि सर विंस्टन चर्चिल थे, हु वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, जो आगे अपनी जिंदगी में आगे चलकर उन्होंने वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के पद पर आसीन हुए, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये तो थी कहानी। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, हु वॉज फ्लेमिंग, व्हाट डिड फ्लेमिंग सी इन द मायर, हाउ डिड द नोबल मैन हेल्प फ्लेमिंग एंड अदर टू क्वेश्चन आर ऑल्सो देयर। एट फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैसेज, लेटर यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द PDF, इट विल सेंड टू यू। Match the word with the meaning, honest, truthful, sank, dropped, risk, danger, cottage, small house, carriage, coach, accept, admit. Underline the verbs in the following sentences and say whether verb is transitive or intransitive. Underline the verb in the following sentence, whether the transitive or intransitive. पहले भी transitive, intransitive पढ़े हैं। Transitive is a verb with the object. The verb which has a object is called the transitive, and the intransitive is without object, बिना object के, the verb which is without object. बिना object के हमको sentence जो समझ में आ जाता है, complete होता है meaning, that is called intransitive. और ट्रांजिटिव वो होता है जहाँ पर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस का अर्थपूर्ण होता है। सेकंड थिंग ये भी जानने की है कि ट्रांजिटिव में हम लोग दो क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और हुम। व्हाट और हुम का अगर वर्ब में व्हाट और हुम का आंसर मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है, और इसमें इंट्रांजिटिव में व्हाट और हुम का आंसर नहीं मिलता तो वो इंट्रांजिटिव कहलाता है। फर्स्ट, His name was Fleming. His name was Fleming. उसका नाम Fleming था, ट्रांसलेटिव है। देखिए was है, verb है इसका, verb इसका was है और नाम क्या था, Fleming, ट्रांसलेटिव। He lived an honest life, intransitive lived, यहाँ पे verb lived है। वो कैसी life जी रहा था, honest life, क्या है, क्या और कौन का answer नहीं मिल रहा, that is a, यहाँ पे कोई object नहीं है, intransitive. थर्ड नंबर, ही रैन टूवर्ड्स द क्राई, ही रैन दौड़ा किधर, क्राई को सुनकर, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रैन का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज कॉल्ड, इट इज इंट्रांसिटिव। ए फैंसी कैरेज पुल्ड अप बिफोर द फार्मर्स कॉटेज, ए फैंसी कैरेज पुल्ड अप आया, हाँ क्या क्या और कौन से यहाँ पे है, नहीं इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये होगा इंट्रांसिटिव। पुल्ड अप ये वर्ब है, वर्ब का कहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इट इज इंट्रांसिटिव। द फार्मर रिप्लाइड जेंटली, जहाँ आराम से जवाब दिया, रिप्लाइड यहाँ पे रिप्लाइड वर्ब है, रिप्लाइड का कोई यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे रिप्लाइड का ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, दैट मीन्स इट इज
एंड ट्रांसलेटेड. नेक्स्ट मंथ ही न्यू ही वुड नॉट बी एबल टू गिव द गुड एजुकेशन टू हिज सन. ही न्यू, यहाँ पे जो न्यू है ये वर्ब है, ठीक है. वो क्या जानता था, क्या जानता था, वो जानता था कि वो अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगा. क्या नहीं दे पाएगा, अच्छा एजुकेशन. तो यहाँ पर ट्रांसलेटिव, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, तो दैट इज इट इज ट्रांसलेटिव. नाउ वे मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अंडरलाइन द फाइनाइट वर्ब एंड सर्किल द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब देखिए फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाया था. फाइनाइट वर्ब वो होता है जो टेंस, नंबर, सब्जेक्ट और पर्सन के साथ जो वर्ब बदलता रहता है, ठीक है. टेंस हो, पर्सन हो, नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल हो, या इसके साथ अगर वो वर्ब बदलता रहेगा तो वो फाइनाइट वर्ब होगा. और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, विच डू नॉट चेंज. कोई भी पर्सन हो, सब्जेक्ट हो, टेंस हो, इसकी कोई इसके ये डजेंट मैटर. नॉन फाइनाइट वर्ब ये सब्जेक्ट के साथ, टेंस के साथ नहीं बदलता. इसीलिए हम लोग कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा कि फाइनाइट वर्ब हम लोगों ने अंडरलाइन करेंगे. ही गॉट ओनली ए स्मॉल प्रोड्यूस फ्रॉम हिज फील्ड. ही गॉट, हुआ पाया, देखिए गॉट, ठीक है ना. यहाँ पे गॉट है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि गॉट की जगह हम लोग कुछ भी और भी रहेगा तो हम लोग बदल सकते हैं. जैसे टेंस बदल सकते हैं, ही गेट, राइट, ही गेट हम लोग लिख सकते हैं. और अगर पर्सन की तरह बोलेंगे दे गेट लिख देंगे, ठीक है. तो इस तरह से फाइनाइट वर्ब जो है वो बदल रहा है, दैट मीन्स इट इज, ये हम लोगों ने इसको अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट, वर्किंग इन हिज फील्ड ही हर्ड अ क्राई फॉर हेल्प. यहाँ पर देखिए वर्किंग इन हिज फील्ड जो है ये इनफाइनाइट वर्ब है. इनफाइनाइट वर्ब कैसे हुआ, वर्किंग इन हिज फील्ड, काम करते हुए, ठीक है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही के साथ, कोई भी यहाँ सब्जेक्ट हो, कोई भी यहाँ पे टेंस हो, इससे नहीं मतलब है ये वर्किंग इन हिज फील्ड, वर्किंग जो लिखा है ये नहीं बदलेगा. देखिए यहाँ पे मैं चेंज करके भी बता दे रही हूँ. देखिए वर्किंग इन हिज फील्ड की जगह वर्किंग इन दियर फील्ड, वर्किंग इन पर्सन की जगह चेंज कर दे, अगर हिज की जगह हर कर दे, वर्किंग इन हर फील्ड, ओके, वर्किंग इन योर फील्ड. कुछ भी टेंस हम लोग चेंज भी चेंज कर दें, चाहे और चाहे हम लोग उसका सब्जेक्ट चेंज कर दें, लेकिन यहाँ वर्किंग नहीं बदलता है, दैट मीन्स इट इज नॉन फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट, ही वॉज स्क्रीमिंग एंड स्ट्रगलिंग टू फ्री हिमसेल्फ. ही वॉज स्क्रीमिंग, यहाँ पे देखिए ये जो है ये फाइनाइट है, यहाँ पे ये चेंज होगा, क्योंकि अगर हम लोग टेंस कर देंगे तो ही इज स्क्रीमिंग हो जाएगा. टेंस चेंज कर दें, ही विल बी स्क्रीमिंग हो जाएगा, ठीक है ना. अगर हम लोगों ने इसको पर्सन को भी चेंज किया, ही की जगह दे, तो दे के साथ तो क्या होगा, दे वर स्क्रीमिंग. तो इसलिए ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज फाइनाइट वर्ब. हैविंग सैल्यूट द नोबल मैन, फ्लेमिंग नॉडेड हिज हेड. देखिए हैविंग सैल्यूट, ये जो है हैविंग सैल्यूटेड जो लिखा हुआ है ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इससे सब्जेक्ट वर्ब से ये नहीं बदलता है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इनसर्किल कर दिया. नेक्स्ट वन, ही गिवन टू ऑन टू बिकम नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड एज द नोटेड सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द डिस्कवरर ऑफ द पेनिसिलिन. तो यहाँ पे वेंट ऑन है, यहाँ वेंट ऑन, जो वेंट जो है ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि यहाँ पर नंबर, पर्सन और टेंस के साथ ये बदलता रहता है, दैट मीन्स इट इज फाइनाइट वर्ब, वी अंडरलाइन इट. नेक्स्ट, ही वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड. यहाँ पे देखिए वेंट है, यहाँ पे हम लोग इसको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है, ठीक है ना. ये चेंज होगा टेंस के साथ, देखिए चेंज होगा, अगर हम लोग टेंस चेंज करें वेंट के जगह गो हो जाएगा, और पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में करें तो विल गो हो जाएगा. अगर हम लोगों ने पर्सन चेंज कर दिया, ही की जगह दे कर दिया, तो दे आर हो जाएगा. तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये वेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और पर्सन और टेंस इट इज चेंजिंग, सो दैट इट इज द फाइनाइट वर्ब, वी अंडरलाइन इट. द क्वेश्चन आंसर, हु वॉज फ्लेमिंग. फ्लेमिंग वॉज अ पुअर फार्मर हु लिव्ड इन इंग्लैंड. ही लिव्ड एन ऑनेस्ट लाइफ. वॉट डिड फ्लेमिंग सी इन द मायर. फ्लेमिंग सॉ इन द मायर दैट अ लिटिल बॉय हु वॉज ट्रैप्ड इन इट अप टू हिज वेस्ट. ही वॉज वेरी टेरिफाइड देयर. नेक्स्ट,
How did the nobleman help Fleming? Nobleman took Fleming with him to give him the good education so that he could become a good and an educated person in his life. What did Sir Alexander Fleming discover? Sir Alexander Fleming discovered penicillin, which is used as an antibiotic for many diseases. Whom did penicillin save later? Later, penicillin saved Sir Winston Churchill, who became the Prime Minister of England. Next, change the tenses. This exercises from the book. He lived an honest life. Simple present. He lives an honest life. Lived ka lives. Simple present. It was coming from a nearby box. Future continuous tense. Future continuous. It will be coming from a nearby box. Future continuous. Future ho gaya. Continuous coming. Will be coming. Future continuous. Next, an elegantly dressed nobleman stepped out of the carriage. Past continuous. An elegantly dressed nobleman was stepping out of the carriage. Past was past ho gaya. Continuous step ke saath ing laga stepping. Was stepping. This is past continuous. Fleming saluted the nobleman and nodded his head gently. Future perfect continuous. Future perfect continuous will have been verb plus ing. Future perfect continuous will have been or verb plus first form verb plus ing. Fleming will have been saluting the nobleman who will have been nodding his head gently. I cannot accept any reward or payment for what I did. सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर में इसको बनाना है. विल या शैल लगा के. आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिवॉर्ड और पेमेंट फॉर व्हाट आई डिड. यू विल बी अमेज टू नो दैट. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म. यू हैड अमेज टू नो दैट. दिस इज ऑल द एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर. द One exercise and the question answer will be sent to you by the PDF.